Very good morning, students and most welcome in online class again. So we were having our chapter number five uh, in snapshots. It's about Mother's Day by J B Presley. Last time next lecture of the same chapter, students, without wasting your time. Already we discussed about the introduction and the characters of the story, students. So last time next uh, next lecture of the same chapter, we were on page number thirty five. We were on page number thirty five. So last time line, okay.

टेबल के वहां पर गई एंड पुल्स डाउन और उसे नीचे बिठा दिया जैसे मिसेस पियर्सन जो है उठने को हुई तो मिसेस फिजरेल जो है टेबल के पास गई एंड पुल से डाउन और उन्हें नीचे बिठा दिया फिजरेल मिसिज फिजर सेट लेट्स लेट देम वेट और लुक आफ्टर दैम फॉर वंस लेट देम वेट कि चलो उन्हें वेट करने दो लेट देम वेट उन्हें वेट करने दो एंड लुक आफ्टर दैम फॉर वंस कि एक बार उन्हें अपना ध्यान खुद रखने दो कि चलो उन्हें वेट करने दो और एक बार उन्हें अपना ध्यान खुद रखने दो दिस इज वेयर योर फूट गोज डाउन वही जगह yeah. है जहां पे तुम्हें सख्ती से पेश आना है, your foot goes down का मतलब है से स्ट्रिक्टली एक्शन लेना है। यही वो जगह है जहां पर तुम्हें जो है strictly action लेना है से है। स्टार्ट नाउ अभी शुरू करो फिनिश्ड सिगरेट जो है सिगरेट जलाती है सिगरेट को जलाती है पूरा किया था उसे दोबारा जला लेती है, Mrs. Mrs. Now, embarrassed, uh, embarrassed है काफी शर्मिंदगी महसूस कर रही है मिसिस विजरेल वो कहती है मिसिस फिजरेल आई नो यू मीन मिसिज फिजरे नेबर ऑफ मिसिस पियरसन ओके मिस पियर्सन ना से एम्बेसमेंट फील कर रही है एम्बेस यहाँ पर है शर्मिंदगी महसूस कर रही है मिसिज फिजरल आई नो यू मीन वेल आई नो यू मीन वेल मुझे मालूम है आपके कहने का तात्पर्य अच्छा है आप ठीक ही बोल रही हैं इनफैक्ट वास्तव में आई एग्री विद यू मैं आपसे सहमत हूँ मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ मैं आपकी बात से सहमत हूँ बट आई जस्ट कांट लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती एंड इट्स नो यूज यू ट्राइंग टू मेक मी एंड इट्स नो यूज यू ट्राइंग टू मेक मी और कोई लाभ नहीं है उस चीज का जो आप मुझे बनाना चाहते हैं बनाने की कोशिश करना चाहते हैं इफ आई प्रोमिस यू आई वुड रियली हैव इट आउट विद दैम इफ आई प्रोमिस यू आई वुड रियली हैव इट आउट विद दैम अगर मैं आपसे प्रॉमिस करूं अगर मैं आपसे प्रॉमिस करूं कि उनके साथ मैं व्यवहार ऐसा करूंगी या सख्ती से पेश आऊंगी या सॉल्यूशन निकाल लूंगी आई नो आई वुडन बी एबल टू कीप माई प्रॉमिस मैं जानती हूं कि मैं अपने अपने प्रॉमिस को जो है बरकरार नहीं रख पाऊंगी अगर मैं आपसे कह भी दूँ इफ़ आई प्रॉमिस यू आई वुड रियली हैव इट आउट विद दैम कि मैं उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगी सख्ती से पेश आऊंगी सॉल्यूशन निकाल लूंगी वगैरह वगैरह आई नो आई वुडन बी एबल टू कीप माई प्रॉमिस मैं जानती हूँ कि मैं अपने प्रॉमिस को जो है कीप मतलब रख नहीं पाऊंगी मतलब मैं अपना वादा निभा नहीं पाऊंगी मतलब क्या कहना चाह रही है कहना चाह रही है एंड इट्स नो यूज टू ट्राई मेक मी कि इस तरह से मेरे साथ कोशिश करने का कोई लाभ नहीं है मिस सेड देन लेट्स मी डू इट तो फिर मुझे करने दो अगर तुम नहीं कर सकती तुम अपना प्रॉमिस नहीं निभा सकती अपना वादा पूरा नहीं कर सकती तो चलो मुझे करने दो चलो मुझे करने दो मिसीर द सेटर थोड़ी सी से घबराई हुई है ओ नो थैंक यू वेरी मच नहीं नहीं तुम्हारा बहुत धन्यवाद तुम्हारा बहुत धन्यवाद मिसेस फिज बट दैट वुटन डू एट ऑल बट दैट एटन डू एट ऑल बट दैट डू एट ऑल लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इट कुडन पॉसिबली बी सम इट कु पॉसिबली बी भी सम्बडियज इट कुडन पॉसिबली भी इट कु पॉसिबली भी संबड़ी मतलब कोई और जो है कार्य करे कोई और काम करे किसकी जगह मेरी जगह कोई और कार्य करे इससे कुछ नहीं होने वाला संभव होता मतलब अगर तुम मेरी जगह काम करोगी तो मेरे कार्य तुम करोगी मेरी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तुम निकालोगी तो संभवतः तो उससे कुछ होने वाला नहीं है मतलब मेरी जगह कोई और करे अर्थात मेरी जगह तुम काम करो या तुम एक्शन लो तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है दे रिसेंट इट वह इस बात का बुरा मानेंगे अगर कोई और या फिर तुम ऐसा करोगी तो तो तुम्हें इस बात का बुरा संबड़ी का मतलब या हमें सिर्फ विजनल की बात हो रही है दे दे वो रिसेंट दे वो रिसेंट इस बात का बुरा मानेंगे इस चीज़ का मेरी फैमिली मेंबर्स मेरे हस्बैंड देम स्टैंड फॉर फैमिली मेंबर्स हस्बैंड बच्चे जो हैं बुरा मानेंगे आचमांस एक ही बार में एंड वुडन लिसन और सुनेंगे नहीं और सुनेंगे नहीं और सुनेंगे नहीं एंड रियली आई कुडेंट ब्लेम दैम और रियली वास्तव में मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर सकती और सच कहूँ तो मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर सकती मैं उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकती आई नो आई ऑट टू डू इट मुझे मालूम है मुझे ऐसे करना ही चाहिए मुझे ऐसे करना है आई नो आई ऑट टू डू इट मुझे मालूम है मुझे ऐसे करना है बट यू सी हैव इट इज़ लेकिन तुम देखो जरा कैसे तुम देखो जरा कैसे सवाल यहां पर है शी लॉक्स शी लुक्स एपोलोजिटिकली अक्रॉस द टेबल और टेबल के वहां पर वे काफी क्षमा याचना की दृष्टि से दिखाई दे रही है मतलब लगता है कि वो सॉरी कहना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा एपोलोजिटिकली मतलब एक सॉरी सिचुएशन uh, में एक क्षमा याचना की सिचुएशन में थोड़ा दुख फील करते हुए कह रही है कि

दुख वाले भाव के साथ मुस्कुरा रही है मतलब वो प्रॉब्लम में तो है लेकिन चाह करके भी अपनी फैमिली के अगेंस्ट काम नहीं करना चाहती वो मिसेस पियर्सन ना मिसेस फिजिकल सेट कूली कूली का मतलब होता है ठंडी अवस्था में मतलब बड़े ठंडे स्वभाव से शांत मिजाज से बोला यू हैवन गॉट द आइडिया यू हैवेंट यू हैवेंट यू हैवन गॉट द आइडिया तुम्हारे पास आइडिया नहीं है तुम्हारे पास आइडिया तो नहीं है मिसेज पियरसन घबराती हुई बोली ओ आई एम सॉरी मुझे माफ़ करना आई था यू आस मी टू लेक टू डू इट मुझे माफ करना आई एम सॉरी मुझे माफ़ करना आई थाट मैंने सोचा था यू आस मी टू लैक टू डू इट कि तुमने मुझसे पूछा तुमने मुझसे पूछा टू लैक टू डू इट कि मैं तुम्हें ही करने दूं कि मुझे लगा तुमने मुझसे पूछा कि मैं तुम्हें ही करने दूँ तुम तो मेरे मुझसे आइडिया के बारे में बात कर रहे हो तुम्हारे पास कोई तुम्हारे पास तो आइडिया नहीं है आई एम सॉरी मुझे माफ करना आई थॉट यू आस मी मुझे मैंने सोचा कि तुमने मुझसे पूछा लेट टू लेट यू डू इट कि मैं तुम्हें ये करने ओके आई आई डिड डिड मैंने ऐसा ही कहा था बट नॉट एज मी लेकिन मेरे स्वरूप में नहीं मतलब मैंने ऐसा ही कहा था तुम जो सोच रही हो बिल्कुल सही सोच रही हो तुम जो सोच रही हो बिल्कुल सही सोच रही हो कहा था ना देन लेट मी डू इट चलो मुझे करने दो उसने कहा था मिसी विजरल सेट फॉर सम लाइन्स कि लेट मे डूट चलो मुझे करने दो चलो मुझे ही करने दो मिस विजरल सेट यहाँ मिस विजरल ने कहा डिड मैंने कहा था मैंने ऐसा ही कहा था बट नॉट एज मी बट नॉट एज मी लेकिन मेरे स्वरूप में नहीं एज यू तुम्हारे स्वरूप में आई टोल यू दैट इस दिस चैप्टर इज ऑल्सो अबाउट ब्लैक मैजिक This is also about black magic. Magic के बारे में है जादू के बारे में जो परफॉर्म यहाँ पर होगा तो मिसि फिज ने कहा मिस हाँ मैंने कहा था पर नॉट एज मी मेरे स्वरूप में नहीं एज तुम्हारे स्वरूप में मतलब कि ब्लैक मैजिक करके पर्सनैलिटीज बदली जाएगी उसका फेस उसकी पर्सनैलिटी उसके पास उसकी पर्सनैलिटी उसका फेस उसके पास पूरा बॉडी चेंज हो जाएगा लेकिन जो सोल है इंटरनल फीलिंग्स है आइडियाज हैं ओके अप्रोचेज है okay, ट लाइफ और बिहेवियर है एटीट्यूड है लैंग्वेज है टोन एक्सेंट है, है वो सेम रहेगा बाकी सब बदल जाएगा ऐसा कुछ है मतलब मैं तुम्हारा रूप धारण करके ऐसा करूंगी ओके ये कहना चाहती है मिसिस पियर्सन बर आई डोंडरस्टैंड पियर्सन बर आई डोंडरस्टैंड मिसिज पियर्सन ने कहा लेकिन न मैं नहीं समझती मतलब मुझे समझ में नहीं आता ये कुरन बी मी तुम जो कुरन बी मी तुम मैं नहीं हो सकती मतलब जो मैं हूं वो तुम नहीं हो सकती बैसी फिजल से कूली ठंडे स्वभाव से कहा शांत मिजा से कहा वी चेंज हम जगह चेंज करते हैं ऐसा करते हैं हम लोग जगह चेंज करते हैं तो वहां चले जाओ आ, मैं वहां चले जाते हूँ तुम यहां पर आ जाओ ओके या फिर मैं या तुम यहां पर आ जाओ मैं वहां पर चले जाती तो हूँ ही बात है मतलब तुम मेरे घर में आ जाओ मैं तुम्हारे घर में चले जाती हूँ तो वी चेंज प्लेसिस हम चेंज प्लेसिस चेंज करते हैं और रियली बॉडीज और सच कहूँ तो सच्चाई में बॉडी चेंज कर लेते हैं शरीर ही बदल लेते हैं शरीर ही बदल लेते हैं मतलब एक तरह से कहें तो आ, आ, पूरा का पूरा जो बॉडी चेंज हो जाएगा है यू लुक लाइक मी तो मेरी तरह दिखाई दोगी आई लुक लाइक यू मैं तुम्हारी तरह दिखाई दूंगी मैं तुम मेरी तरह दिखाई देती हो मैं तुम्हारी तरह दिखाई देती हूँ मतलब यहाँ पर इसका कहानी के हिसाब से कि जब बॉडी चेंज होगा तो तुम मैं हो जाऊंगी और मैं तुम हो जाओगी ओके okay? ऐसा कुछ होगा तो यह मतलब कहने का मतलब है जब मिसेस फिजरलला वो मिसेस पीयरसन बन जाएगी मिसेस पीयरसन जो मिसेस फिजरल बन जाएगी कुछ ऐसी बात यहाँ पे हो रही है मिसेस फिजरलला सेड हाउ डू यू नो और लाइन द आई हैव एक्सल स्किप द लाइन मिसेस पीयरसन सेड बट दैट्स इंपॉसिबल जो तुमने कहा कि ऐसा बॉडी चेंज करने वाली बात कही जगह चेंज करने के साथ दैट्स इंपॉसिबल या असंभव है ये असंभव ये बात इम्पॉसिबल है हाँ जी, नो तुम्हें कैसे पता एवर ट्राइड इट कभी कोशिश की है क्या कभी ट्राई किया क्या कैसे करने का तुम्हें कैसे पता है इसके बारे में कैसा इम्पॉसिबल है ये सब है हाथ यी नो एवर ट्राइड इट कभी कोशिश की है क्या मिस ना नो से no, not, कि नहीं बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं मिसर एस एन ना कूली ठंडे स्वभाव से कहा बड़े शान मिजाज से कहा क्या कहा आई हैव uh, मैंने किया है मैंने ट्राई किया है आई हैव मैंने किया है नॉट फॉर सम टाइम कुछ समय से नहीं बट इट्स स्टिल ऑट टू वर्क लेकिन ये अभी भी काम इसे अभी भी काम करना चाहिए जो मतलब जो मुझे आता है जो भी मुझे मैजिक आता है उसे अभी भी काम करना चाहिए मतलब वो स्टिल ऑट टू वर्क इसे अभी भी काम करना चाहिए मतलब वो काम करेगा वोंट लास्ट लॉन्ग लंबे समय के लिए नहीं लंबे समय के लिए नहीं चलेगा बट लॉन्ग इनफ फॉर वट यू वॉन्ट टू डू लेकिन उतने लंबे समय के लिए चलेगा इतने लंबे समय के लिए हम लोग चाहते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव है लीखा दस्टर्न नेशन इसे ईस्टर्न नेशन से सीखा है जो ब्लैक मैजिक की बात यहाँ पे मैं कर रही हूँ बॉडी चेंज करने की बात कर रही हूँ पर्सनैलिटी चेंज करने की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि मैंने ये सब जो है ईस्टर्न नेशन से सीखा है uh, of course, of course, where they are up. जहाँ पर वो लोग ट्रेन हैं जहां पर वो प्रशिक्षित है पूरे निपुण है इस कला में मैंने ईस्टर्न नेशन से कहास्टर्न नेशन समझते हो क्या होता है उसमें इंडिया भी आता है पूरे विदेशों में इंडिया भी आता है और इंडिया में सब uh, सुनने को मिलता ही होगा कहीं ना कहीं ओके सो वेयर दे आर अप टू ऑल दीज टिक्स जहाँ पर इन टिक्स को लेकर के इन uh, तरकीबों को लेकर के इन कलाओं को लेकर के बड़े वो they are up. Stand for, वो ट्रेन है उसके हाथों को होल्ड करती है अक्रॉस द टेबल टेबल के उस और, keeping कीपिंग द सिगरेट इन माउथ अपने मुख में अपने माउथ में जो सिगरेट को रख करके give me योर हैंड्स का मतलब give मी

इट्स योर ओनली चांस ये केवल तुम्हारा ओनली चांस है इट्स योर ओनली चांस तुम्हारा केवल एक, एक मात्र मौका है गेम योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट अ मिनट्स कि मुझे अपना हाथ दो मुझे अपने हाथ दो केवल हाथ नहीं हाथ दो गेम योर हैंड्स कि मुझे अपने हाथ दो एंड कीप क्वाइट अ मिनट ए एंड का मतलब यहाँ पे एंड है एंड कीप क्वाइट अ मिनट और एक मिनट के लिए शांत रहो मुझे अपना हाथ दो और एक मिनट के लिए शांत रहो जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनी थिंग केवल किसी भी चीज़ के बारे में सोचो जस्ट कीप स्टिल जस्ट लाइक कीपिंग क्वाइट ओके अपोयम बाय नर यू ओके जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग केवल किसी चीज़ के बारे में सोचो किसी भी चीज़ के बारे में सोचो टेकिंग हर हैंड्स उसके हाथ लेते हुए ना लुक एट मी अब कहा उसने मेरी तरफ देखो हाथ को हाथों में ले रखा है और कहा कि अब मेरी तरफ देखो दे स्टेड एट ईच अदर और दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ घूरते हैं मटरिंग बड़बड़ा रहे हैं Aristata dum, Aristata lamb, Aristata lamb, लम्ब लैम आ डम बोना यहाँ पर एक फार्मूला है एक सूत्र है एक मंत्र है एक फिलहाल एक चैंटिंग हो रही यहाँ पर उसको ले करके, बॉडी को चेंज करने को लेकर के एरिस ठाचा जम एरस ताम लैम्ब जम बोना ओके ये मंत्र पढ़ा गया ये मंत्र पढ़ा गया पढ़ने वाला पढ़ने वाली कौन होगी डेफिनेटली फिजरल ही होगी दिस लिटल सीन शुड भी एक्ट वेरी केयरफुल जो छोटा सा सीन यहाँ पर हुआ इसे बड़े केयरफुल परफॉर्म किया जाना चाहिए बड़े केयरफुल परफॉर्म किया जाना चाहिए वी आर टू एज्यूम दैट एज्यूम का मतलब मानना स्वीकार करना वी आर टू एज्यूम दैट द पर्सनैलिटीज चेंज बॉडीज हमें बात माननी चाहिए वी आर टू एज्यूम दैट हमें बात माननी है माननी है माननी है दैट द पर्सनैलिटीज चेंज बॉडीज की जो पर्सनैलिटीज़ है वो बॉडीज को चेंज करती है जो पर्सनैलिटीज है जो व्यक्तित्व है वो शरीर को भी बदल देता है आफ्टर द स्पेल हैज स्पोकन और जो, spell बोल दिया गया। spell stand for, जो मंत्र है उच्चारण है है जो मंत्र, है, जो मंत्र है, वो बोल दिया उसके बोलने के बाद बोथ दोनों ही महिलाएं स्टिल ग्रास्पिंग हैंड्स अभी भी दोनों ने अपने हाथ ग्रैप्स कर रखे हैं पकड़ रखे हैं गोलैक्स लैक्स हो गई लैक्स, में। लैक्स में। इन अ स्टिल फुल पोजिशन अ स्टिल फुल सिचुएशन बड़ी स्थिर हो गई शांत हो गई दोनों लैक्स हो गई। ठीक है ना दोनों का आफ्टर सम मूवमेंट्स लिखा है यहाँ पे स्पेल हैज बीन स्पोकन स्पेल बोलने के बाद वो मंत्र बोलने के बाद हैंड्स दोनों स्टिल्स जो है स्टिल ग्रास्पिंग हैंड्स अभी भी दोनों ने अपने हाथों ग्रैप्स कर रखा पकड़ रखा है जकड़ रखा है गो लैक्स रिलैक्स हो गई स्टिल हो गई शांत हो गई हैज फॉर आउट ऑफ मानो जीवन उनसे दूर चला गया हो इस तरह से रिलैक्स हुई कि मानो लाइफ जो है उनसे दूर चली गई हो इस तरह से लैक्स हुई कि मानो लाइफ उनमें नहीं हो जीवन नहीं हो जिंदगी नहीं हो सोल नहीं हो मानो कुछ नहीं बॉडी में मानो जिंदगी दूर चली गई देन बॉथ कम टू लाइफ उसके बाद दोनों कम टू लाइफ लाइफ में आए मतलब दोनों की जान में जान आई बट विद द पर्सनैलिटी ऑफ द अदर लेकिन एक दूसरे की चेंज वाली पर्सनैलिटी के साथ मिसिज पियर्सन मिसिज विजरेल हो गई और मिसेज़ फिजरेल जो क्या बन गई मिसेज़ पेयरसन बन गई पूरा फेस पूरा लुक सब बदल गया एवरीथिंग हेयर स्टाइल सब कुछ पूरा बॉडी सब बदल गया सब कुछ बदल गया अगर हम कहें तो एक तरह से सोल ट्रांसफ़र हुई है क्या हुई है सोल ट्रांसफर हुई है कि मान लो जो मिसेज फिजरेल की सोल थी अगर वो मिसिज पेयरसन में आ जाएगी ठीक है ना तो होगी तो मिसेज फिजरेल ही लेकिन उसका बॉडी किसका होगा मिसेज पेयरसन का और मिसिस पियर्सन की जो सोल है अगर वो मिसिस फिजरल में चले जाएगी मतलब सोल ट्रांसफ़र हुआ अगर मैं इन डायरेक्टली आपसे कहूँ तो बॉडी तो वही मान लीजिए लेकिन वो आवाज़ें जो है वो पर्सनैलिटी जो है वो बदल जाएगी पूरी की पूरी ओके लेसा भी ना तो यहाँ पर है देन बॉथ कम टू लाइफ दोनों के दोनों जीवन में जो दोनों की जान में जाना ही मतलब कम टू लाइफ लाइफ में आए मतलब जान में जाना ही बट विद द पर्सनैलिटी ऑफ द अदर लेकिन एक दूसरे की पर्सनैलिटी के साथ

और जो मैनरिज़्म है मतलब तौर तरीके हैं वो एडॉप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए कोशिश करनी चाहिए ट्राई करना चाहिए अवश्य करना चाहिए मस्ट है यहाँ पर ओके स्ट्रांग स्ट्रांग एडवाइस यहाँ पर यूज़ हुआ है तो ज़रूर करना चाहिए दोनों को अपनी आवाज़ और जो मैनरिज्म है, तो है जो तौर तरीके हैं जो बिहेवियर है एटीट्यूड है ओके जो भी बाकी सब स्किल्स है वो सब बदल वो चेंज को उसको चेंज करने अडॉप्ट करने का कोशिश करना चाहिए ओके देन सो नाउ मिसेस पियर्सन इज बोल्ड अब मिसेस पियर्सन जो कैसे होगी बोल्ड होगी जस्ट लाइक like, जस्ट लाइक like क्या बिल्कुल है ना फिजोलेल ही है और मिसिज पियर्सन पियरसन कैसे हो गई बोल्ड हो गई बोल्ड का मतलब थोड़ी सी डेयरिंग हो गई बोल्ड हो गई सांसी हो गई एंड डोमिनेटिंग और डोमिनेटिंग हो गई प्रभुत्वशाली हो गई मतलब डोमिनेट करने वाली डोमिनेंट पर्सनैलिटी वाली बन गई एंड मिसिज फिजरल इज नर्वस एंड और फ्लक्सिंग जो बोल्ड थी जो डोमिनेटिंग थी वो कैसे हो गई है अब वो नर्वस हो गई है वो फ्लक्सिंग हो गई मतलब वो घबरा रही है एक एक सॉफ्ट पर्सनैलिटी वाली बन गई है जिसमें जो काफ़ी नर्वस रहती है जो काफ़ी फ्लटर करती काफ़ी घबराती है मतलब जो मिसेज फिजरल थी वो बन गई मिसेज पियर्सन और जो मिसेज पियर्सन थी वो बन गई मिसेज फिजरल ऐसा क्यों किया एज पर द प्रॉमिस और एक्सली द कम्युनिकेशन दट वॉज हैल बिटवीन दीज टू वुमेन बिफोर सम लाइन्स हुआ था कि करेंगे दिखाएंगे सबक सिखाएंगे तुम्हारे परिवार वालों को और मैं सिखाती हूँ ऐसा कुछ हुआ था ओके okay? उसको लेकर के यहाँ पर बातें हो रही है सो स्टूडेंट्स स्टूडेंट लाइन मिसिज पियर्सन ना सैड अब ना विथ मिसिज फिजरल पर्सनैलिटी अब ध्यान रखना इसके बाद जो भी मैं कहूंगा आपसे ओके वेन आई सेल्ड और वेन आई से मिसिस फिजरेल इट मीन दैर शी इज मिसिस वैन आई से मिसिस पियरसन दैन इट दैन न शी वुड बी मिसिज फिजरेल वेन आई से मिसिस फिजरेल देन शी वुड बी मिसिस पियरसन ओके तो बदल गए हैं दोनों अब अब आपको दोनों को चेंज करके समझना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ मिसिज पियर्सन लिखा हुआ आएगा और मिसिस पियर्सन तो होगी ही बॉडी वैसा ही होगा वही होगी लेकिन उसकी उसमें सोलगेज का होगा वो होगी कौन एक्जेक्टली वो मिसिस फिजुरल होगी और जहां जहां मिसिस फिजरल आपको दिखाई देगी इस चैप्टर में सो वेयर देयर इज देयर इज मिस पियर्सन ओके ओके स्टूडेंट्स सो लेट्स हैव वन मोर लाइन टू फिनिश इट द पियर्सन मिसिस पियर्सन नाउ विद मिसिज फिजुर पर्सनैलिटी जो कि अब मिसिस फिजरल की पर्सनैलिटी में मतलब मिसिस पियर्सन तो है लेकिन अब मिसिस फिजरेल की पर्सनैलिटी में है मतलब पूरा व्यक्तित्व जो है मिसिस फिजरेल वाला है। मिसेस पियर्सन uh, uh, I mean, कहती है सी वर आई मीन डेयर देखो मैंने क्या कहा था मेरे कहने का मतलब क्या था डियर शी नोटिस द सिगरेट और वह सिगरेट को नोटिस करती है मिसेस पियर्सन जो सिगरेट नहीं पीती है अब वो सिगरेट को नोटिस करते उसके अंदर कौन है उसके अंदर कौन है मिसेस विजर है अब वह है, अब वह है, है, नोटिस करते सिगरेट को हेयर हेयर डोंट वांट दैट देखो ये वही सिगरेट है तो तुम्हें नहीं चाहिए थी शी स्नैचेस इट वह उसे स्नैच करती है एंड पुट इट इन हर ओन माउथ और अपने मुंह में डालती है पफिंग कंटेंटली और बड़े कंटेंट के साथ बड़े संतुष्ट के साथ पफ करती है पफ का मतलब कश लेती है सिगरेट पीती है बड़े कंटेंट के साथ बड़े संतुष्टि के साथ वो पफिंग करती है वो कश लेती है सिगरेट के वही पियर्सन वो तो सिगरेट को हाथ नहीं लगा रही थी अब सिगरेट पी रही है एग्जैक्टली वो कौन है मेसेज फिजरल इट्स ऑल अबाउट टूडे स्टूडेंट्स, थैंक यूर नाइस डे